दलित के जीवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी कहा राष्ट्रीय दलित सेना के अध्यक्ष महेंद्र ओझा ने। दलित सेना ने आयोजित की प्रेस वार्ता, कई मुद्दों पर रखा अपना पक्ष। कुछ दिनों पूर्व एसटीएससी एक्ट में फेरबदल करने के बाद दलित समाज में भारी रोष व्याप्त है, जिसके चलते 2 अप्रैल को भारत बंद करवाया गया था, जिसमें कई तरह के हंगामे भी हुए। आज दलित सेना ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र ओझा ने अपनी बात रखते हुए कहा कि दलितों के जीवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर स्वर्ण समाज के लोग आरक्षण के खिलाफ है तो दलित समाज की सुरक्षा का जिम्मा किसका। महेंद्र ओझा ने कई बिंदुओं पर अपनी बात रखी, न केवल एसटीएससी एक्ट को लेकर बल्कि कई मुद्दों पर अपने समाज का पक्ष रखा। मैं महेंद्र कुमार ओझा, प्रदेश अध्यक्ष दलित सेना राजस्थान। आज जो दलित समस्या को लेकर के पूरे देश में हाहाकार हो रहा है, इसको सरकार को ये देखना चाहिए, केंद्र की सरकार को देखना चाहिए, राजस्थान की सरकार को देखना चाहिए कि ये आखिरकार क्यों ऐसा क्यों। दलित इश्यूज़ को लेकर के आज सरकार ये नहीं सोचती, चलो ठीक है, एस सी एस टी एट्रोसिटी जो एक्ट था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कई सेक्शनों पर रोक लगाने का काम कर दिया, फिर भी सरकार उस पर रिव्यू पिटीशन के माध्यम से वापस सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन लगता नहीं कि रिव्यू पिटीशन को ये बहाल कर दे। सरकार को इस पर एक ऑर्डिनेंस लाना चाहिए, तब तक ऑर्डिनेंस नहीं आएगा तब तक ये समस्या देश के अंदर बढ़ती रहेगी। ऑर्डिनेंस ला करके सरकार संविधान की 9B अनुसूची में इसको डाला जाए, तभी इस पर रोक हो पाएगी। आज देखने को मिलता है कि NCERB के आंकड़ों से आज देश के अंदर प्रति 15 मिनट में 4 दलितों के ऊपर भयंकर अत्याचार होता है, प्रति 3 दिन दलित महिलाओं का बलात्कार होता है, 2 दलितों की हत्या कर दी जाती है और 11 दलितों को पीटा जाता है, प्रति सप्ताह 13 दलितों की हत्या की जाती है, 5 दलितों के घर जलाए जाते हैं और 6 दलितों का अपहरण किया जाता है। जब NCERB के ये आंकड़े इस तरह की बातें बताते हैं तो उस देश के अंदर आने वाला जो भविष्य है दलितों का, वो किस पर निर्भर करेगा। आज समस्या आती है कि पिछले 2 अप्रैल को जब भारत बंद का आह्वान किया गया था कि दलित अपनी समस्याओं को लेकर के भारत बंद को लेके चले, और दलितों की यही नहीं कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार में जो फेरबदल सुप्रीम कोर्ट ने किया वो ही नहीं था, इश्यूज बहुत है। आज देखिए देश के अंदर 22.5% दलित हैं, उनमें से भारतीय संविधान कहता है कि आबादी के अनुसार, दलितों की आबादी के अनुसार आरक्षण होना चाहिए, जबकि हम देखते हैं बड़े बड़े चाहे रक्षा विभाग हो या वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र हो या जुडिशियल सेवाएं हैं, वहां पर दलितों की कोई भागीदारी नहीं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए था कि दलितों की हर क्षेत्र में भागीदारी होनी चाहिए। जहाँ तक आरक्षण का सवाल आता है, दलितों का आरक्षण आज तक पूरा कंप्लीट नहीं है। इनके आंकड़े बताते हैं कि देश के अंदर 12.5% आंकड़े अभी पूरे किए गए हैं, तो ये भी एक दलितों की समस्या है, ये भी क्या आंदोलन से जुड़ी हुई समस्या थी। आज सुनने में आता है कि सोशल मीडिया पर कि 10 अप्रैल को हम भारत बंद करेंगे, जो सवर्ण जाति के लोग हैं वो कह रहे हैं कि 10 अप्रैल को भारत बंद करेंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये इस तरह से इनका जो मिशन है ये पूरा होगा, क्योंकि उन लोगों को भारत करने की आवश्यकता कहाँ है। कॉरपोरेट घराने पर उन लोगों का कब्जा, मार्केट पर उन लोगों का कब्जा, अगर वो अपने मार्केट को बंद कराएंगे तो हानि किसकी होगी, उन लोगों की होगी। उन लोगों को ये समझना चाहिए कि हम 10 अप्रैल को आरक्षण के खिलाफ में क्यों ऐसा करें, क्यों भारत बंद करें। आज देखिए कि दलित क्या, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि दलित क्या बाजार में बैठा हुआ है, क्या दलितों की दलित कितने व्यापारी हैं, दलित कितने कॉरपोरेट घराने में गए हैं। दलितों का तो बिल्कुल सही था, उनकी तो जो मांग थी भारतीय संविधान के तहत उनकी ये मांग जो रखी गई थी, तो उस पर उन्होंने आंदोलन का काम किया। आज कहते हैं आरक्षण आरक्षण, अरे आरक्षण तो 1909 में कोल्हापुर के महाराज साहूजी महाराज ने आरक्षण पहले 1909 में इन वंचित परिवार और वंचित लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान उन्होंने किया था।